क्रैकेट के डेली करंट में आपका स्वागत है। तो आज के करंट में आपका पहला क्वेश्चन है, सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने हेतु विशेष काडर बनाया जाएगा। अब ये विशेष काडर क्या है? महिलाओं को सेना में समान अवसर प्रदान करने के लिए वर्ष 2008-2009 में नौसेना कंस्ट्रक्टर काडर तथा एजुकेशन ब्रांच की 60 सर्विस कमीशन ऑफिसर्स बेंच से 7 महिलाएं अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई थी। ठीक है, तो इस काडर का मतलब सीधा सीधा ये है कि महिलाओं को भी सेना में समान अवसर मिले। ठीक है, तो अब आपका अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, भारत ने राष्ट्रीय पोषण अभियान हेतु विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किया। $200 मिलियन और कहां से? विश्व बैंक के साथ पोषण अभियान हेतु, इम्पोर्टेंट है ये, राष्ट्रीय पोषण अभियान हेतु। ये क्या है? इस कदम का लक्ष्य यह है कि 6 साल तक के बच्चों को कुपोषण के स्तर को मौजूदा 38.4% से घटाकर 2022 तक 25% पर लाना है। कर्ज से पहले चरण में सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के 315 जिलों में ये अभियान को गति प्रदान की जाएगी। ठीक है, और दूसरा है आपका अगला क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में चलें। IRCTC ने SBI बैंक के साथ मिलकर रुपए कार्ड लॉन्च किया। IRCTC जानते हैं रेलवे की है आपकी, और SBI स्टेट बैंक है। इन्होंने क्या किया है? रुपए कार्ड को लॉन्च किया है। ये क्या है? इस क्रेडिट कार्ड से आप शॉपिंग के साथ साथ दवाइयों की खरीद पर भी छूट पा सकते हैं। इसके अलावा ट्रेन टिकटों की बुकिंग में डिस्काउंट और कैशबैक के साथ फ्री ट्रेन टिकट का भी ऑफर मिलता है। ठीक है, तो ये दोनों की है, IRCTC और SBI बैंक की। अब आपका चौथा क्वेश्चन है, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने CEO को बर्खास्त कर दिया। ठीक है, क्यों किया? अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो CEO थे लुतफुल्ला स्टेनिक जाई को कुप्रबंधन, असंतोषजनक प्रदर्शन और मैनेजरों के साथ दुर्व्यवहार के कारण इनको बर्खास्त कर दिया गया है। इनका ACB के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपका, भारत और यूरोपीय संघ के बीच विज्ञान और तकनीकी संधि का नवीनीकरण समझौता हुआ। ठीक है, ये क्या है? 15वें भारत और यूरोपीय संघ के शिखर सम्मेलन के दौरान पक्ष 2025 तक वैज्ञानिक सहयोग और समझौते के नवीनकरण करने पर सहमति हुई। इसका नेतृत्व भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ठीक है, किनके बीच में हुआ ये संधि? ये आपकी हुई है भारत और यूरोपीय संघ के बीच में, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आप, ADB ने भारत को $30 लाख के अनुदान की मंजूरी दी। अब ये ADB क्या है? ये है आपका एशियाई विश्व बैंक। ठीक है, इसने 29 जुलाई 2020 को कहा कि उसने भारत को COVID-19 महामारी का मुकाबला करने हेतु सरकार का समर्थन करते हेतु $30 लाख करीब 22 करोड़ रुपए का अनुदान देने की मंजूरी दी। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन थे आपके आज, इन सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, पढ़ लीजिएगा इनको। ठीक है, और फिर कल का आपको कल दे दिया जाएगा। धन्यवाद।